डायरेक्टली मना कर देता है कि वीडियो मत कीजिए। हमारी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। अब बच्चे को रुला दिया आपने, बच्चे को पसंद है, मेरा बच्चा ऐसे उदास होके जा रहा है। भैया ये पिंक वाला रखने को जगह नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। ये होती है बेटी है। अब ज्यादा रेंज बोल के ना, ज्यादा ही मत बता दीजिएगा। एक घंटा बैठी है आगे निकलने के लिए। लाइक और शेयर किया कीजिए भाई, या सब्सक्राइब भी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे। स्वस्थ भी होंगे हम लोग। मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन बाकी लोग अभी अस्वस्थ है। स्वस्थ नहीं हुआ लेकिन स्वस्थ हूँ। हाँ, कोट से ही पता चल जा रहा है कि क्या है स्वस्थ और टोपी से। और बाबू भी दो तीन दिन हो गया खाना नहीं खा रही है एकदम। सुबह सुबह क्या बताया आप लोग को, आप लोग विश करो कि बाबू जल्दी ठीक हो जाए। हाँ देखिए, तो बहुत मतलब कि मेरा घर ऐसे ये उलझा हुआ है ना, बीमारियों से एकदम उलझ गया, जो कि कोसों दूर थी बीमारी, और सो एकदम ऐसे हो गया कि मत पूछिए, एकदम मन ही नहीं लग रहा है कुछ में। लेकिन आप लोग से बिना मिले हुए काम चलेगा नहीं मेरा। तो आज जा रही हूँ मैं, अकेले जा रही हूँ बैंक। बैंक का कहे तो आप लोग को कि भाई जब तक आप घर नहीं हो जाएगा तब तक तो बैंक का चक्कर नहीं। और मेरी तबीयत ठीक है अब, लेकिन कुछ जरूरी काम हो गया है बैंक का, तो मैं जा रही हूँ, अकेले ही जा रही हूँ। ऐसे भी पहले मैं अकेले ही जाती थी बैंक का काम, कुछ भी करने अकेले ही जाती थी, लेकिन अब बच्चों लोग को भाई छोड़ दी हूँ मैं, बच्चों पे कि बच्चे करें, वो बच्चे अब करते हैं, लेकिन आज मेरा काम है तो मैं जा रही हूँ। तो काम हो गया, चल रही हूँ घर, सब काम हो गया। बैंक का मतलब कि क्लियर हो गया, थोड़ा डाउट था वो भी डाउट क्लियर हो गया। तो रात का चावल बचा हुआ था वो बूंदी में, इधर शुभम को दे दी। कहाँ गया? दिखा भाई। इधर शुभम को दे दिए, इधर सिन्हा जी खा रहे हैं, उधर अंकल जी खा रहे हैं, इधर हम लोग खा रहे हैं। अब आप लोग ये मत बोलना कि बीमार लो या और बासी चावल, तो इसको खूब अच्छा से फ्राई की हूँ और उसके बाद खा रहे हैं। अब मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, हम भी बैंक गए, थक गए एकदम। भाई इतना चावल फेंका तो नहीं, फेंका भी नहीं जा सकता। और बहुत टेस्टी लग रहा है, सबसे बड़ी चीज है बहुत टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी जा रही हूँ मैं राशन लेने, राशन मीन्स की चावल लेने जा रही हूँ। चावल के बिना भाई हम लोग का गुजारा नहीं हो सकता, तो जा रही हूँ मैं चावल लेने। और अभी देख लीजिए सुबह, मेरी शादी हो गई है, इतना मत देखिए। एक कमेंट आया है बहुत गंदा, वो क्या तुम्हारा, ये आदमी नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा हाथ पैर है सब कुछ। 8-8 महीने में जाती है, पहले भी सेम चीज दिखा था हमने। तो ये आदमी मेरा बेटा है। इग्नोर द नेगेटिव कमेंट्स। और सिंदूर लगाई हुई हूँ मैं। बिंदी कहाँ है फिर? लगाया है तो बिंदी का। बिंदी नहीं लगाता, बिंदी नहीं अच्छा लगता है। ये कौन है, ये कौन है? अरे अरे अरे, पूछा क्यों? मैं अकेले घूमने जा रही थी, ये लोग कहाँ से आ गए? निन्नी आ रही है गाड़ी में बैठते, निन्नी आ रही है। इतनी शैतान है घर में, हम लोग कोशिश कर रहे थे सुलाने की, नहीं सोई है, पूरे टाइम नहीं सोई है। आप लोग ने देखा ही होगा गेम खेलती रही है, और अब गाड़ी में बैठते के साथ नींद आ रही है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, आके चांदी आ रही है, परेशान हो रही है बुआ। अच्छा ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, या मेरे साथ ही होता है ये बताना, कि गाड़ी में बैठते के साथ नींद आती है। पता नहीं रात भर सोता भी हूँ या नहीं भी सोता हूँ, मान लो चलो सोता हूँ मान लो, मैं फिर भी गाड़ी में जैसे बैठूंगा वैसे ही 2 मिनट के बाद ही नींद आने लग जाएगी। वैसे ही मेरा हाल है, वैसे ही ऋतु का हाल है। तो ऐसा किसके साथ होता है ये जरूर बताना। माँ आपके साथ है? आपके साथ होता है गाड़ी में बैठते ही? गाड़ी में नींद नहीं आती है। मुझे गाड़ी में नींद आती है, तुमको नहीं आती। तो अभी हम राशन लेके आ गए हैं, राशन लेके आके उसके बाद कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि दीदी गंदा कर दी थी। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ा सा कि आप लोग का कमेंट पढ़े, तो थोड़ा सा निश्चिंत होता है ना शाम के टाइम में, तो मैं कमेंट उमेंट पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत। तो उसमें पढ़े तो आप लोग लिखे हुए कि लहंगा का दाम और एड्रेस नहीं आप लोग बताए, तो क्या करें
बहुत जगह ऐसा है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह लोग वीडियो करने दिया है और कितने जगह है ना कि एकदम डायरेक्टली मना कर देता है कि वीडियो मत कीजिए। भैया ये पिंक बोलो, 5.95 क्रॉप टॉप वगैरह और चीजें, क्रॉप टॉप कैसे तो लेके गए थे जो अमृतसर गए थे तो। अच्छा इन्हीं के हाथ से फिर भी थोड़ा बहुत तो किए थे हम लोग। दाम का तो कोई खास नहीं है, ज्यादा महंगा नहीं है, अच्छा है, रिजनेबल मिल जाता है। चांदनी चौक जाए उससे बेटर हमें यहाँ अट्टा में मिल जाता है। लेकिन क्या है, चांदनी चौक में है कि सब कोई हमें वीडियो करने देता है, बुला के करवाता है लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन यहाँ कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि मना करता है लोग, कुछ दुकान तो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। आपको 50 की वाले दुकान पर अब ज्यादा रेंज बोल के ना ज्यादा ही मत बता दीजिएगा। नहीं, कुछ दुकान है ऐसा जो कि जहाँ से मैं ली वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली मना था कि नहीं कीजिए, तो नहीं किए। उस दुकान का शायद नाम है विवाह नाम है या कुछ करके है। क्या बोले, वीडियो नहीं करने दिया, ये तो चुरा के कर ली वीडियो, ये चुरा के कर ली। अरे बोले तो लीजिए, पर मैं क्या सारा वीडियो बहुत पहले से मैं कर रही थी और बहुत अच्छे से किया। जब इनको मना कर रहा था मैं बोली भैया क्या कर सकते हैं, अब वीडियो हो गया अब डिलीट करूं। नहीं नहीं देखो, नहीं नहीं बट यहाँ पे अलाउड नहीं है। देखो मैंने तो कर लिया, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो सामने दिखाने के लिए माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। कैसे डांटी आप जरा बताइए। हम लेकिन जब मना कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हो तो वीडियो। तो उसके बाद हम दोनों सास बहू का सगुन का लहंगा 2500 तक का है और मेरा साड़ी भी 2500 तक का है, कोई ज्यादा महंगा नहीं लिए थे हम लोग। इसी तरह थोड़ा सा मन में हुआ ना कि नया कपड़ा पहने, घर की शादी थी तो थोड़ा सा लगा कि नया कपड़ा ले। तो होता है ना कि अंदर से एक औरत के अंदर जो बात होती है ना कि नहीं, कितना भी साड़ी भरा रहे जितना भी कपड़ा भरा रहे लेकिन नई साड़ी खरीदनी है। तो वही चीज है, थोड़ा महंगा हो तो माँ ने ठग लिया। ये घंटा बैठी है आगे निकलने के लिए घंटा। मैं दो बार शॉप से बाहर निकल चुकी थी फिर भी ये मुझे इशारे कर रही है थोड़ा धीरे निकलो। जब बच्चे को रुला दिया आपने, बच्चे को पसंद है, मेरा बच्चा ऐसे उदास होकर जा रहा है, बेचारे को देना पड़ा। अब नहीं बूढ़ा आदमी को इसलिए आप चांदनी चौक जाने के लिए बोल रहे हो, मैं चांदनी चौक से जाके लेके इन्होंने बोला कि नया पहनने का भी अब होता है। हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, रखने को जगह नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। लेडीज को प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। अच्छा मतलब पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तो आप मेरे तरफ देखते हैं। अरे मेरा बच्चा मुझे मार रहा है यार, वो पेंसिल से मुझे मार रही है। पैदा हो गई है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरे घर का प्रॉब्लम ये है कि रखने को जगह नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। अब पहले वाला बाल भी थ्रू थोड़ी है कि एक होली में खरीदा गया अगले होली में भी वही पहने फिर दशहरा में बाल पहन लो, नहीं हो सकता। रिक्शे वाले ने जब बोल दिया कि मैडम आपका तबियत ठीक हो जाएगा जब शॉपिंग कर लीजिएगा, तो ये लोग तबियत ठीक कर रहे थे, मतलब तो तबियत ठीक कर रहे थे, टॉनिक ले रहे थे। अब उस वक्त से दादी नहीं कुछ बोले हैं क्योंकि तबियत ज्यादा खराब थी। जब हम लोग खूबसूरत लगते हैं तो किसी बोलता है गदगद होते हैं देख के। बार बार बेटियों को देखा जा रहा था, पोतोए को देखा जा रहा था पूरी पार्टी में। लेकिन हमारी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, बेटी वहाँ पे जितने भी थे सबसे फूल के गुब्बा हो गई आज तो। अरे पिटाई पड़नी है सबको। पूजा जय 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 कर लो, जय जय कर लो सरस्वती माता। पाम शैतानी करते हैं, शैतानी बप्पा को देख लो, बच के जाना बेटा। इसमें इंजेक्शन लगा दे, इंजेक्शन रितु, इंजेक्शन रितु। अरे सही में कर देगी, वो समझदार हो गई है भाई, इंजेक्शन लगा दो सबको, बच्ची छोड़ेगी। क्या पहले कैसे आ रहे? अच्छा
रात में बच्चा मेरा जा रहा है, चलो अंदर लेके जा रही हूँ। शगुन चली गई अब ऑफिस, और अभी तक लिफ्ट नहीं आया है और मैं जा रही हूँ अंदर। बहुत ठंडा है, मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ। खुद बीमार है लेकिन देखिए एक ही बेटी होती है। धुंधली सारी रात धुंधली तेरी बातें जाने क्यों। अरे मां तो वीडियो कर रही थी, मैं हद हो गई, चुपचाप सुतो ना। ओढ़ा रही ठीक करो दीदी, ठीक करो जल्दी से। हाँ चुप, हाँ चुप, मुंह ऐसे कर रही है। चुप कंबल यहाँ तह लगा के रखा हुआ था, तो उसको उठा के लेके गई है। ये होती है बेटियां। सो गए पापा, सो गए पापा, सो गया है। थपकी लगा दो, थपकी लगा दो पापा को, पापा को थपकी लगा दो। शुभम सब साथ गया पैसा, सब साथ गया पैसा तुम्हारा सबकी आधारा खत्म अभी ही सब कर दी। मैंने बिना कंबल के सोए थे, उठा के कंबल लेके गई है और ओढ़ाई है खोल के बजाबते। ये नहीं कि बच्चा है तो भाई इसी तरह एक दे बजाबते, बढ़िया से जैसे बने जितना हो सका है ओढ़ाई है। बैठिए सर, आप खाने खाने लगे कलछा है, कलछा। ये दाल चावल और दिन में सब्जी बनी थी आलू और शलजम की, और ये रात की सब्जी कल रात की, गोभी की आज रात की नहीं, कल रात की सब्जी। और अभी स्प्रिंग अनियंस कट के रखे हुए, ये पराठे के साथ खाइए, आहा आहा बहुत मजा आ जाता है, बहुत मस्त लगता है। मैं अपना अमित का खाना निकाल ली, उसके बाद सिन्हा जी और शुभम खाएंगे, फिर अंकल और रिद्धि खाएंगी। बारी बारी से होता है भाई, रिद्धि को संभालना होता है ना। चलिए इसी के साथ में ब्लॉग का भी एंड करते हैं, ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आवर चैनल। गुड नाइट, और लाइक और शेयर किया कीजिए भाई, और सब्सक्राइब भी। मोरिया 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 बापा मोरिया।